वेलकम टू अनम्स फ्लेवर। आज हम बनाएंगे खीमा आलू रेसिपी। ये संडे स्पेशल होता है हैदराबाद में। ये हमारे घर में हर संडे बनता था और इसे हम खिचड़ी और खट्टे के साथ खाते थे। बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है ये डिश। ये रहे उसके इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में हम तेल गरम करते हैं, उसमें डालेंगे प्याज और एक हरी मिर्ची को मैंने स्लिट करके डाला है। इससे प्याज तलते वक्त बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे हम फ्राई कर लेंगे और थोड़ी सा कलर चेंज होने के बाद प्याज में हम डालेंगे अदरक लहसुन और इसे भी फ्राई कर लेते हैं। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड स्पाइसेस जो कि है नमक, लाल मिर्च, हल्दी। अब हम इसमें डाल देंगे खीमा। खीमा डालकर हमें इसे अच्छे से भुनना है, वरना इसके लम्स फॉर्म हो जाएंगे। हमें बस इसे स्टार्टिंग में ही भून लेना है ताकि इसके लम्स फॉर्म ना है और खीमा रुखा रुखा बने। इसे इस तरीके से भूनते रहिए। इसे लगातार हम 3 से 4 मिनट तक भूनते रहेंगे। अब खीमा अच्छे से भुन गया, अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू मैंने नमक के पानी के अंदर डालकर रखे थे ताकि इसके अंदर थोड़ा नमक रहे आलू के अंदर, वरना आलू बहुत फीके लगते हैं। इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब खीमा और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसमें डालेंगे आधी ग्लास पानी और इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारा खीमा और आलू अच्छे से गल जाए। तकरीबन मैंने इसे 10 से 15 मिनट्स तक धीमी आंच पर रखकर पका लिया है। देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं और पानी भी पूरा सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप कर दें। और इसके साथ ही हम डाल देंगे कोथमीर, हरी मिर्च और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिए हैं तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी थोड़े बहुत नरम ही होते हैं। इसे बस 1-2 मिनट के लिए हम ढककर रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच लेमन जूस। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको खीमा थोड़ा ड्राई रखना है तो रख सकते हैं, या तो आप थोड़ा पानी डालकर इसे लूज कर लें। खीमा पककर रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये रहा खीमा आलू तैयार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।